जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनाई साइन, यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये जनरल रीडिंग है, सो सबको मैच करेगी, ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं कि ये जो आने वाला हफ्ता है ये कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। पहले बात करेंगे आपके लव लाइफ की और फिर बात करेंगे करियर की। So for all the Gemini people, let's see. Gemini people, आप थोड़े निराश लग रहे हैं मुझे। कुछ रीडिंग से यही पैटर्न है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, आप कोई निराश है, कोई उदास है, और मे भी हो सकता है कि कोई यहाँ पे किसी का वेट कर रहा है, और या हो सकता है कि आप रशन करना चाहते हैं, आप किसी से बात करना चाहते हैं एंड अ सोलमेट लेवल ऑफ कनेक्शन, या यूँ कह लीजिए कि आप बैलेंस लेके आना चाहते हैं सिचुएशन में। आप चाहते हैं कि बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस पर्सन के लिए, और मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ समथिंग, मुझे यहाँ पे कोई प्लेयर एनर्जी दिख रही है। मे भी हो सकता है ये जो पर्सन है थोड़े से स्टबन है, और मे भी थोड़े से प्रैक्टिकल है, और कुछ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मे बी अ फायर साइन जिनके साथ आप डील कर रहे हो, वॉट अ साइन, फायर साइन, साइंस खैर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि येस। एंड मे भी हो सकता है यू हैव ऑप्शंस, या यू हैव ऑलरेडी, लाइक यू हैव समबडी इन योर लाइफ, या ऑप्शंस है किसी के पास। लाइक हो सकता है कि कोई मैरिड हो, या कोई ऑलरेडी किसी के पास ऑप्शन हो। सो देयर इज़ लाइक, मुझे बहुत सारी लाइक लोग दिखाई दे रहे हैं स्टोरी में। सो मूविंग ऑन टू योर रीडिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, और यूँ कह लीजिए कि सोल लेवल कनेक्शन है, एक डीप बॉन्ड शेयर करते हैं। बट क्योंकि ये कनेक्शन इतना ईजी नहीं मुझे लग रहा, बहुत ज़्यादा टफ है, कोई यहाँ पे होल्ड ऑन कर रहा है, कोई यहाँ पे स्टबन है, कोई यहाँ बड़ा प्रैक्टिकल है, और बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से आप निराश हैं, थोड़े से उदास भी फील कर रहे हैं, और आप चेंज चाहते हैं। कोई इमोशंस को होल्ड कर रहा है, आई डोंट नो, मे बी ये पर्सन है, आप है, कोई एक है जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशंस को होल्ड कर रहा है, और आप हो सकता है वेट कर रहे हो टू क्लैरिफाई थिंग्स, आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाए। सो मुझे ऐसा ये, मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको बोला, ये जो पर्सन है हो सकता है कोई अच्छी पोजीशन पे हो, या दे आर लाइक यू आर हुक्ड ऑन देम, आप इनको बहुत पसंद करते हैं, एंड मोर ओवर जिसे कहते हैं ना चार्मिंग पर्सनालिटी, सम सॉर्ट ऑफ दैट, मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही है। और आप रशन करना चाहते हैं, आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आप चाहते हैं न्यू बिगनिंग, और मे बी हो सकता है कोई और चाहता हो कि आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता हो। आई एम गेटिंग अ साइड स्टोरी, क्योंकि यहाँ लोग इन्वॉल्व हैं, सो ये बातें हो सकती हैं। हो सकता है कोई और चाहता हो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना, या आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग, राइट, है कोई यहाँ पे। देयर इज अर्थ साइन, मुझे यहाँ पे अर्थ साइन भी दिखाई दे रहे हैं, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, नो सॉरी सॉरी, वी हैव कैप्रिकॉन, टॉरस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, राइट। कोई स्टेबल एनर्जी भी है यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, कोई यहाँ पे लाना चाहता है, लाइक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहा है इन दिस रिलेशनशिप, राइट। कोई न्यू बिगनिंग चाहता है, और आप इस पर्सन की तरफ फैसिनेटेड हैं, आप किसी पर्सन की तरफ हुक्ड ऑन है, राइट। और कोई यहाँ बैलेंस लाने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है आप मायूस हो, ये पर्सन आपसे दूरी पे हो, और पास्ट में आपको लगता है आपने बहुत वेट किया है, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं। सो मुझे ये स्टोरीज दिखाई दे रही हैं।
यस एंड मूविंग ऑन, कोई यहाँ पे प्लेयर एनर्जी में था, समबडी में भी हो सकता है कोई यहाँ से सिचुएशन को छोड़ के चला गया हो, या मे भी हो सकता है ये जो पर्सन है जिनके लिए लाइक यू आर यर्निंग फॉर देम, आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए, सो उनकी एनर्जी ऐसी है, वो चाहते हैं कि सम सॉर्ट ऑफ, मुझे आई डोंट नो, आई एम गेटिंग अ प्लेयर सॉर्ट ऑफ एनर्जी, अ फायर साइन, और हो सकता है कि आपकी इनसे लाइक आप बैलेंस लाना चाहते हो, आपकी इनसे कोई येस कोई बैठा हुआ है अपनी थ्रोन पे, वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, एंड कोई यहाँ पे चाहता है बैलेंस लेके आना, जहाँ तक मुझे आप लोगों की स्टोरी दिखाई दे रही है. यस एंड ये जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, एंड क्रॉस रोड्स पे है आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा. हो सकता है फॉर फ्यू ऑफ यू जेमिनी आई लाइक सी अगेन एंड अगेन, हो सकता है आपके पास कोई ऑप्शंस हो, आपकी तरफ कोई आना चाहता हो, आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता हो. मैं अगेन वही बात कह रही हूँ कि येस कोई ना कोई और भी हो सकता है इस पूरे लाइक चार्ट में मुझे यही दिखाई दे रहा है, इस रीडिंग में मुझे यही दिखाई दे रहा है कि कोई और भी है जो आपके साथ हो सकता है न्यू बिगनिंग के लिए लाइक कोई रशन करना चाहता है, और हो सकता है आप होल्ड ऑन कर रहे हो और आप किसी और पर्सन के पीछे आप उनको याद कर रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं, और यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस, एंड कोई आपकी तरफ आना चाहता है, किसी के मन में आपके लिए फीलिंग्स है. सो ये स्टोरी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत सारे लाइक लॉट ऑफ कन्फ्यूजन, लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट, राइट. और हो सकता है आप भी मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हों कि क्या करें क्या नहीं करें. सो बात करते हैं अब आपके करियर की. फॉर ऑल द जेमिनी पीपल, यस आप अच्छा कर रहे हैं, यू आर लाइक अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं. हो सकता है आप कोई ऐसा काम कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो लाइक नॉलेज गेन, जिसे कहना नॉलेज गेन कर रहे हैं, यू वांट टू बिल्ड समथिंग, और आपके लिए अच्छा है. आप कोई न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और हो सकता है कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ भी रही हो, बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है. एस ऑफ वॉन्ट, न्यू आइडिया, वर्किंग ऑन न्यू आइडिया, न्यू बिगनिंग, एंड पेज ऑफ वॉन्ट इज ऑल अबाउट न्यू समथिंग न्यू कमिंग अप टूवर्ड्स यू, एंड यू आर लाइक हो सकता है आप टाइम ले रहे हो, सोच रहे हो थोड़ा सा पीरियड, मुझे ऐसा लगता है कि आप होपलेस फील कर रहे हो, बट अगेन मैं आपको यही बोलूँगी, डोंट लूज होप, आप होप लूज मत कीजिए, यू आर डूइंग गुड. स्टेबिलिटी भी है यहाँ पे विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द स्टार कार्ड, ये जो स्टेबिलिटी है और ये जो हार्डवर्क है ये आगे चल के आपको लाइक अच्छी पोजिशन लेके जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि आप उसके लिए आप फोकस्ड भी हैं, आप उस तरफ काम भी कर रहे हैं, एंड अगेन बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, डिटरमाइंड है, और ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास हो, या यूँ कह लीजिए कोई पोजीशन ऐसी हो जिसमें आपको यू हैव टू लाइक पूरे आपको प्रोज एंड कॉन्स देख के आगे चलना पड़ेगा इस पोजीशन के लिए. आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, डिटरमाइंड है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, बैलेंस भी आ रहा है इफ़ यू स्टे इन दैट एनर्जी. अगर आपका माइंड वेवर करेगा तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज क्रॉस रोड्स पे मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब आपको समझ ना आ रहा हो कि क्या करें, इधर जाएं, या हो सकता है कि कोई जॉब हो ऐसा जो आपको डिसीजन लेना हो आगे बढ़ने के लिए, या यूँ कह लीजिए कि आप कुछ ना कुछ है डाइसी सिचुएशन. पर अगर आप डिटरमाइंड हैं, अगर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड रखते हैं, तो बैलेंस्ड आएगा. यू विल बी वर्किंग हार्ड ऑन समथिंग एंड यू विल बी क्रिएटिंग समथिंग फॉर यू. येस पोजिशन, इट्स ऑल अबाउट पोजिशन, इट्स अबाउट कि जैसे आप किसी पोजिशन पे हैं, टीम लीड हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, हो सकता है आपके लोग लाइक आपके अंडर लोग काम करते हो. लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल अवर जेमिनी पीपल. स्ट्रेंथ, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द जेमिनी पीपल प्लीज. You need to be little sharing or strength. Strength हमारे पास we have twice, right? So अपने आप को like be receptive. देखिए दो बातें मुझे लग रही हैं for all the Gemini people. कुछ के लिए हो सकता है like abundance is coming in for you, पर हो सकता है कि आप अनदेखा कर रहे हैं.
यू हैव करेज, यू हैव स्ट्रेंथ, यू हैव शेयरिंग, तो आप अपना हार्ट स्पेस ओपन कीजिए. मे भी हो सकता है पुरानी एनर्जीज में फंसे हुए हैं, मे भी हो सकता है यू आर नॉट रिसेप्टिव, राइट. आप आती हुई खुशियों को शायद हो सकता है ठुकरा रहे हैं, और आप हो सकता है पास्ट में भी, पास्ट में कुछ लोग फंसे हुए हो. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि समथिंग लाइक ग्रेट इज़ कमिंग फॉर यू, गुड इज़ कमिंग फॉर यू, चाहे आपकी लव लाइफ है चाहे करियर है. सो थोड़ा सा ध्यान दीजिए. 2-2, राइट. हो सकता है आपको नंबर्स भी दिखते हो. सो ये दीज आर द साइंस, ये आपको साइंस मिल रहे हैं. हायरोफेंट कुछ के लिए हो सकता है, आप रिसेप्टिव नहीं है. हो सकता है कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता हो, क्योंकि मुझे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं आपके अराउंड, बट मे भी हो सकता है आप इग्नोर कर रहे हो ड्यू टू द पास्ट. मे भी हो सकता है आप अभी पास्ट में ही फंसे हुए हैं, और कुछ है मे बी मुझे कुछ प्लेयर एनर्जी दिखाई दे रही है. सो आपको अपने आप को बैलेंस करना है. सोलमेट, दिस इज लव, फ्रेंडलीनेस, राइट. सो अपने आप के साथ वो एक सेल्फ लव, सबसे पहले सेल्फ लव, यू हैव टू बी इन दैट जोन. और आप हमेशा लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको अपनी लाइफ में खुद देखना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और सामने वाला क्या वो विलिंग है आपको वो देने के लिए जो आप चाहते हैं, राइट. एंड मोर ओवर थोड़ा सा शेयरिंग होने की ज़रूरत है, अपनी फॉर्म में आने की ज़रूरत है. और मुझे ऐसा लगता है कि येस यू कैन लाइक डू गुड, मुझे जहाँ तक लग रहा है. अबंडेंस, येस. करियर की भी बात करें या लव की भी बात करें, सो अगर रिसेप्टिव होंगे, रिसेप्टिव का मतलब क्या होता है, रिसीविंग मोड में होंगे, तो ही आपको ये सारी खुशियाँ मिल पाएंगी. एंड पॉसिबली मैरिज ऑल्सो, कुछ के लिए ये लाइक मैरिड लाइफ पे इंडिकेट करता है. सो हो सकता है कि आप के लिए इसमें भी कुछ मैसेज हो दैट यू नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग. बजाय कि पास्ट में फंसे रहना, बजाय कि चीज़ों को अपने तरीके से सोचना कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, वो फ्लो के साथ चलिए, जस्ट गो विद द फ्लो. मुझे ये मैसेज शायद मिल रहा है आप लोगों के लिए. सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल. सो आई होप यू लाइक द रीडिंग, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर रीडिंग. टिल देन टेक केयर, बाय. अपना ख्याल रखिए.